अच्छी बात है, आप का ही देती हूँ मैं तो। देंगे गुरुदेव, अपना भी देंगे, रुक के अभी आपका, आपकी सेवा चल रही है। अभी हम अच्छे से सीख लेना। नहीं सीखोगे एकदम चला नहीं लगे, जो बोलोगे ना तब सीखोगे, बोलोगे नहीं तो कब जिंदगी। अभी गुरुदेव जूम पे करेंगे, जूम पे स्टार्ट करेंगे, जूम से स्टार्ट करके फिर जब प्रैक्टिस होगी फिर यूट्यूब पे भी दे देंगे। लेकिन अभी यूट्यूब पे आपका किया हुआ है ना, मेरे तो क्या वाले ना, अपना करो, अपना खोलो, खोल दो, ज्यादा नहीं 5 मिनट दो, दोगे ना फिर धीरे धीरे। कहाँ जा रहे हो, बैठ कथा सुन। फोन जिंदगी भर आएगा, फोन जिंदगी करते, बैठ कथा सुनो, यहीं से बैठ कर फोन देख लो ना। बाहर कितना दूर बाहर चलो मेरी बात में आ कथा सुनी कर, कथा सुनोगे तो इतना कुछ ज्ञान मिलेगा, फिर भावना बढ़ेगी तुम्हारी। तुम कहा जा रहे हो? मुझे काम छोड़ कर कथा सुन, किसी काम है इसका, ये काम ना सच मुझे जा रहे ना कि काम पता नहीं उन्होंने काम पता है सब काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, अपना काम धंधा करो, कहते करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो और भगवान की कथा सुनो, करोड़ों काम छोड़ करके हैं, करोड़ों काम छोड़ करके। एक समय क्या हुआ, कुछ लोग गुरु जी से माला लेने के लिए आए, गुरु जी से माला लेने के लिए, माला लेने के लिए कुछ लोग आए तो क्या हुआ, उस समय गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब था, तब महाराज जी सेवा कर रहे थे, बोले महाराज जी अभी तो आपकी तबीयत खराब है, मत जाओ। देखो कितने लोग मेरे लिए बाहर बैठे हुए माला लेने के लिए, भगवान का नाम अगर किसी ने ग्रहण कर लिया तो सीधा भगवान के पास में जाएगा, अगर वो भगवान की नाम नहीं करेगा तो अंदर नहीं जाएगा। फिर वो आए मेरे पास हरि नाम लेकर भगवत नाम से तो भगवत धाम को जाएगा, उसका हम वंचित कैसे कर सकते, इसलिए मेरे करोड़ों काम रहने पर पहले उनको उनको पहले हरि नाम दूंगा। इसलिए समय तो चलता जा रहा है, अब इसको भजन में भी लगा सकते हो और इधर उधर काम में कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन भजन में लगा बोलते सार्थकता है, इधर उधर लगा तो देखा। हाँ बोलो। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्तिविलासी ऋषिगुरु महाराज जी के चरणों में रत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ एवं उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कुछ कहने की चेष्टा करूँगा, भगवान की लीला के बारे में कुछ बताने की चेष्टा करूँगा। तो गुरुमुख पद्म वाक्य मतलब गुरु जी की कहे हुए वाक्य में कैसे विश्वास करें उससे रिलेटेड एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाने की चेष्टा करूँगा। एक बार क्या होता है कि एक संत जो है जंगल में निवास करते हैं, तो वहाँ पर एक शिकारी आता है, वो शिकारी क्या करता है, वो तो शिकार को ढूंढते ढूंढते जंगल में आता है, तो शिकारी जो है रोज देखता है कि ये बाबा जो है यहाँ पर समाधि में बैठे हुए हैं या ध्यान कर रहे हैं, और वो जो है अपना शिकार करने के लिए चला जाता। एक दिन उसके मन में आया कि ये बाबा यहाँ बैठ करके क्या करते हैं, वो जैसे रोज उनको प्रणाम करके जाता था, तो वो संत से आज उसने पूछ लिया कि बाबा मुझे बताओ कि आप यहाँ बैठते हो, मैं तो रोज यहाँ पर शिकार ढूंढने आता हूँ, आप यहाँ बैठ करके क्या करते हो। तो बाबा ने कहा कि मैं तो यहाँ पर जो है कृष्ण का ध्यान करता हूँ, कि तो क्या आपको कृष्ण मिले कि नहीं मिले। तो वो जो है बाबा कहते हैं कि मैं तो कृष्ण का यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि कहाँ मिलेगा कृष्ण, मुझे बताइए, मैं जो है कृष्ण को ले आऊंगा। अभी जो संत भगवान है फिर वो क्या कहते हैं, उसको कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, उनका जो मनोहारी रूप है उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि बताया गया कि कृष्ण जो है अपने माथे पर मयूर पंख धारण किए हुए हैं, सामरस लोना उनका जो रूप है, और
वो जो है तीन तरफ से टेढ़े हैं, जिसे कल भी हम लोगों ने सुना था। इसी प्रकार मतलब उनके रूप का, कृष्ण के रूप का जो है संत वर्णन करते हैं शिकारी को। तो शिकारी कहता है कि ठीक है बाबा, आप यहीं रुकिए और मैं जो है अब जंगल में जाऊंगा और कृष्ण को जो है ढूंढ करके ही लेकर के आऊंगा। तो वो कहता है कि जब तक मैं कृष्ण को ढूंढ करके नहीं ले आता, तब तक मैं जो है पानी भी नहीं पीऊंगा। देखो इसमें पहली शिक्षा तो यह है कि गुरुदेव ही हमें बताते हैं कि भगवान कौन है। जैसे उसको एक्सप्लेन करके बताया ना कि उनका मनोहारी रूप है, कैसा वो दिखते हैं, क्या माथे पे मयूर पंख धारण किए हुए, अलग अलग विशेषताएं उनकी बताई है। तो गुरु ही सिर्फ हमें ये बता सकते हैं कि भगवान कौन है और वो कैसे मिल सकते हैं। तो उन्होंने उनको जो है मार्ग प्रदर्शित किया कि आप जाइए जंगल में और वो जो है ऐसे स्वरूप में आपको मिलेंगे। अभी वो शिकारी जंगल में चला गया और जाकर के वो क्या कर रहा है, उसने जाल बिछाया। जैसे वो शिकारी को पकड़ने के लिए हमेशा जाल बिछाता था, तो उसने सोचा कि कृष्ण को भी जो है जाल बिछा देता हूँ और किसी न किसी दिन तो वो पकड़ाई में आएगा ही। आज उसने पहले दिन जाल बिछाया और सुबह से जो है संध्या हो गई है, लेकिन कोई भी शिकारी उसमें नहीं फंसा। ऐसे करते करते उसे दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए। अभी तीन दिन हो गए जैसे, तो अभी तक उसने प्रण ले रखा था कि मैं जो है जब तक बाबा आपका शिकार जो कृष्ण है उसको जब तक ढूंढ करके नहीं ले आऊंगा, तब तक पानी की बूंद भी जो है ग्रहण नहीं करूंगा। अभी भगवान ने देखा कि मतलब मेरे एक भक्त के वाक्य के कारण ये क्या है, इसके प्राण हरण होने वाले हैं। तो वो अपने भक्तों के प्राण की मतलब उनके प्रण की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान चले हुए आते हैं बंसी बजाते हुए, और श्री कृष्ण जो है आ रहे हैं और जानबूझ करके आकर के उस शिकारी के जाल में जो है वो फंस जाते हैं। अब शिकारी ने जब देखा कि अरे कृष्ण आ गए, वही रूप है जो उस बाबा ने बताया था, वर्णन किया था कि मयूर पंख धारण किए हुए होंगे, बांसुरी ले रहे होंगे, बांसुरी वेणुवादन कर रहे होंगे, त्रिभंग ललित उनका रूप होगा, सांवले सलोने होंगे, उसने वो सारी की सारी जब चीजें उनसे मैच करी तो उसे लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो उस बाबा ने मुझे बताया था कि ऐसे कृष्ण होंगे, और आकर के ये जो है मेरे जाल में फंस गए हैं। अब जब उस शिकारी ने ये देखा कि कृष्ण जो है उनके जाल में फंस गए, तो वो कृष्ण के रूप को देख करके अपने होश खो बैठा। उसे तो ध्यान ही नहीं रहा कि वो जो है किस कार्य के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या करने के लिए वो यहाँ पर जाल उसने बिछा रखा है। वो तो कृष्ण के रूप को देख करके उसमें ही जो है मोहित हो जाता है। अभी कुछ देर बाद फिर जो है उसे सुध-बुध होती है, थोड़ा सा होश आया। अरे तुझे तो जो है बाबा के वचन के कारण तू जो है यहाँ आया था जंगल में, और तूने जाल बिछाया था कृष्ण को पकड़ने के लिए, और वो तो तेरा लक्ष्य जो था वो तूने साध लिया, तूने तो कृष्ण को पकड़ लिया है। अब वो कहता है अच्छा कृष्ण, तुमने मुझे जो है अपने ही मतलब चित्र दिखा करके अपने रूप में जो है बहला फुसला लिया, ऐसा नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें जो है पकड़ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाता है शिकार पकड़ लिया, शिकार पकड़ लिया, शिकार पकड़ लिया, और जो है कृष्ण को कंधे पे लाद करके और चल देता है। आया बाबा के सामने और जोर जोर से जो है वो चिल्लाता हुआ तो आई रहा था, और बाबा को सुना करके बताया कि देखो बाबा, मैं तुम्हारा जो है शिकार जो आपने मुझे वर्णन किया था, जिस प्रकार मैं उसी के हिसाब से ही जो है कृष्ण को पकड़ने के लिए आया हूँ। फिर बाबा जब देखते हैं, और उनकी तो आंखों से बिल्कुल अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। वो तो उन्होंने तो कहा था कि भाई कृष्ण जंगल में मिलेंगे आप उनको, और वो जो शिकारी था वाकई में उस कार्य को कर करके लेकर के आ गया। तो बाबा की जो है आंखों से, उन संत की आंखों से जो है अश्रुपात होने लगा। फिर जब संत ने देखा कि ये लेकर के आया, तो उन्होंने संत ने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि मैं तो आपका जो है बचपन से ध्यान कर रहा हूँ, और इसे तो मैंने अभी सिर्फ तीन दिन पहले ये बताया था कि भई ऐसा रूप है भगवान का, और आप जो है इस हिसाब से उनको पकड़ करके ले आओ, और आप इतनी जल्दी इसके बंधन में कैसे आ गए। तो भगवान कहते हैं कि देखो मुझे यहाँ पर क्या करना था, अपने भक्तों के वचन की लाज भी रखनी थी। कल बताया था ना गुरुदेव ने कि जैसे भीष्म पितामह की भी प्रतिज्ञा को भगवान ने पूर्ण किया, इसी तरीके से कह रहे कि मेरे भक्तों की जो प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करने के लिए भी मुझे जो है इस धराधाम पर आना पड़ता है। इसीलिए ही मैंने जो है, और एक बात, इसके मन में जो है आपके लिए निश्चल प्रेम था, इसने जो आपके जो वाक्य था उसको ही एकमात्र किया अपना लक्ष्य
साध लिया, उसको अपना लक्ष्य बना लिया और उसी की तरफ ये अग्रसर हो गया। इसने अन्यत्र जो है कोई भी चीज अपने मन में आने ही नहीं दी। जो लक्ष्य गुरुदेव ने इसे बताया था इसने उसी को ही सिर्फ अपने मन में धारण किया और अपनी ही जो मंजिल क्या थी वो कृष्ण प्राप्ति, ये जो है इसी वजह से कर पाया। इसी तरीके से हमें भी जो है गुरुदेव के श्री चरणों में यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी गुरुदेव के द्वारा बताए गए लक्ष्य को एकमात्र जो है अन्य किसी चीजों में फंस करके उसको वांछा करके रूप से पास ले आए। गुरुदेव क्या सिखा रहे हैं? हेलो हरे कृष्ण, गुरुदेव की सच्ची क्लास दे रहे हैं? गुरुदेव की श्रीमद् भागवत की जो क्लासेस दी है गुरुदेव ने वो है पास नोट्स समस्त गुरु परंपरा एवं आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। गुरुदेव ने बताया है कि प्रभु अपनी कथा सुनने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी अपनी भक्तों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक भक्त भक्त जयदेव की कथा है जो बंगाल में रहते थे। वो जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय भक्त थे। जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे मानो जगन्नाथ जी खुद उनके पास आते और उनसे बातें किया करते थे। अब भक्त जयदेव एक जंगल में रहकर अपना भजन किया करते थे। वो इतने वैरागी संत थे कि एक रात एक पेड़ के नीचे गुजारते तो दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे कि कहीं मुझे इस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। तो भगवान जगन्नाथ जी ये सब देखा करते थे। उस जगन्नाथ जी के मंदिर में एक संत रहा करते थे। उन संत के कोई भी संतान नहीं थी। तो भगवान जगन्नाथ जी से कहते, हे जगन्नाथ जी, अगर आपने मुझे कोई संतान दी तो जो मेरी पहली संतान होगी उसे मैं आपको भेंट कर दूंगा। अब जगन्नाथ जी ने ये सब सुना तो उन संत के कुछ समय बाद एक पुत्री होती है। वो भगवान जी जगन्नाथ जी ने दी थी तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद रूप समझकर वो उसे बड़ा करते हैं। अब जब वो विवाह के योग्य होती है वो भगवान जगन्नाथ जी के पास लाते हैं और उसे कहते हैं, भगवान जगन्नाथ जी, ये आपका आपने की दी हुई पुत्री है, ये आपका प्रसाद है। मैंने कहा था कि मैं आपको इसी के आपके चरणों में दूंगा तो अब आप इसे अपने पास रखिए। अब वो उसे छोड़कर वहां चले गए। अब जगन्नाथ जी रात को उन्हें स्वप्न देते हैं और कहते हैं, उस जंगल में मेरे एक भक्त रहते हैं, भक्त जयदेव, और आप इस कन्या को ले जाओ और उनसे विवाह कर दो। अब वो संत सुबह उठते हैं और उस कन्या को लेते हैं और जयदेव जी के पास जाते हैं। अब जयदेव जी से कहते हैं, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, जगन्नाथ जी ने मुझे रात आज्ञा दी है। कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो संत हूँ, मैं गृहस्थी में कैसे फंस सकता हूँ, मेरा तो सारा नाम ही छूट जाएगा अगर हमने गृहस्थी में फंस गया। कहते हैं, अच्छा, आप जगन्नाथ जी की आज्ञा भी नहीं सुनोगे? कहते हैं, अच्छा, मेरे प्रभु की आज्ञा है तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अब वो विवाह कर लेते हैं। अब जिसे स्वयं जगन्नाथ जी ने दिया था तो वो कन्या भी बहुत भक्ति किया करती, भगवान जगन्नाथ जी का भजन किया करती थी। अब दोनों का विवाह संपन्न होता है और वो रहने लगते हैं। तो जो भक्त जयदेव थे वो भगवान के मधुर मधुर गीत बनाया करते थे। तो वो एक दिन गीत गोविंद लिख रहे थे। तो गीत गोविंद लिखते लिखते वो भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का ध्यान कर रहे थे। तो एक लीला क्या होती है, श्री राधा रानी कृष्ण से लूट जाती है और राधा रानी लूटती है तो फिर कृष्ण उनको मनाते हैं। वो लीला का स्मरण कर रहे थे तो कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दो। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर माधुर्य भाव है, जो आप प्रेम के वात्सल्य है, वो मेरे अंदर भी आ जाए तो आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दो। अब ये बात जयदेव जी को समझ नहीं आती। कहते हैं, मैं इसे लिख तो दूंगा पर जो इसे पढ़
पड़ेगा, कहीं वो उसे गलत ना समझ ले, क्योंकि कृष्ण की राधा जी जो है प्रेमिका है, और प्रेमिका एक अपने प्रेमी के मस्तक पर चरण रख दे ये अच्छा नहीं लगता। चलो मैं इसे कल पूरा करूंगा। अब जयदेव सोचते हैं, उनसे कहते हैं, अरे सुमा मैं नहाकर आता हूँ, तुम खाना तैयार रखना और मैं इसको कल पूरा करूंगा। अब वो तो नहाने चले जाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ जी उन जयदेव का रूप लेकर और वहां पर आते हैं और जयदेव जी की जो वो गीत था उसे पूरा कर देते हैं। अब कहते हैं भोजन लाओ मैं भूखा हूँ, तो कहते हैं ठीक है आप बैठिए मैं भोजन लगाती हूँ, और फिर उनको भोजन कराती है और वो भोजन कर कर वहां से चले जाते हैं। अब जो सचमुच के जयदेव थे वे आते हैं। अब जयदेव कहते हैं अरे आज तुमने क्या कर रही हो, मुझे भोजन कराने से पहले ही तुमने भोजन कर लिया। कहते हैं क्या कह रहे हो, अभी तो आपने भोजन किया, अब आप कह रहे हो कि मैंने भोजन नहीं कराया। अब वो कहते हैं अभी भी तो आपने अपना गीत पूरा कर कर भोजन किया। कहते हैं अच्छा, फिर वो गीत को देखते हैं तो सचमुच में वो गीत पूरा हो रहा था। तो कहते हैं अरे तुम धन्य हो, आज तुम्हारे हाथों से स्वयं जगन्नाथ जी प्रसाद पा गए, और उस दिन से उनके लिए उनका सम्मान और भी बढ़ गया। तो एक बार की क्या बात है, वो जयदेव जंगल से जा रहे थे, एक राजा के पास गए, तो जयदेव वहां से बहुत सारा धन मिला। तो जयदेव जंगल से जाते जाते जयदेव जी को चार चोर मिलते हैं। अब चार चोर कहते हैं अरे लाओ तुम्हारे पास क्या है, ये सब हमें दे दो। तो कहते हैं मेरे पास हमारी ये लो, ये धन है आप ले लो, मुझे क्या चाहिए, मैं तो संत हूँ, मैं तो अपने हरिनाम से ही खुश हूँ। तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे, कहते हैं अब तो ये हमें ये धन दे रहे हैं, पर हमारी कहीं जाके राजा से चुगली ना कर दे और हमें मरवाना दे, क्या करते हैं इनके हाथ पर काट दो और फिर ये राजा से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, जब चली नहीं पाएंगे तो कहेंगे क्या। अब वो हाथ पैर उनके जयदेव जी के काट कर उन्हें एक कुएं में डाल देते हैं। पर संत है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कोई भी मतलब बदले की भावना ही नहीं आती, क्रोध की भावना नहीं आई। कहते हैं अच्छा जगन्नाथ जी ऐसे स्वयं हो ना, आपके भी हाथ पैर नहीं है, मुझे भी ऐसा ही कर दिया, चलो कोई नहीं मैं अब इसमें भी प्रसन्न हूँ। और प्रभु का नाम लेते हैं, उस कुएं में लेटे लेटे प्रभु का नाम ले रहे हैं। तो वहां से राजा गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, इस कुएं से तो बड़ा प्रकाश हो रहा है, ना जाने इसमें क्या है। तो वो झांक कर देखते हैं, संत जयदेव उसमें लेटे हुए। कहते हैं अरे महाराज आपका ये हालत किसने कर दी। कहते हैं कुछ नहीं मैं जा रहा था, मैं तो ऐसा ही हूँ क्योंकि मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, तो जगन्नाथ जी जैसा ही हो गया। कहते हैं अच्छा चलिए आप मेरी नगरी में चलिए और आप वहां जाकर आराम से करिए। तो अब वो वहां उन्हें बैठाते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनसे वो प्रश्न करते हैं प्रभु मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे आप भगवान की भक्ति का रास्ता बताइए। कहते हैं भगवान तुम्हें मिलेंगे संतों की सेवा से मिलेंगे, कोई भी संत आए ना तुम्हारे द्वार पे उसे कभी अब बिना दिए वापस मत जाने देना और संतों की सेवा करो। कहते हैं ठीक है। अब वो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं, जितने भी संत हो सब आओ अब मेरा खजाना खुला है, सबको भरपूर खजाना मिलेगा। अब वो संत आते हैं तो चार चोर भी बात सुनते हैं कि राजा का खजाना खुला है और संत का भेष धारण किया तो हमें भी अपार धन मिलेगा। अब वो साधु भेष धारण करते हैं, अब साधु भेष धारण कर कर राजा के पास आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा उन वे जयदेव जी वहां पर बैठे हैं और चार चोरों को देखते हैं और अच्छा अब साधु भेष धारण कर लिया, चलो चलो आओ कोई नहीं। पर अब वो वहां राजा को चाहे तो बता देते हैं कि ये चोर है और इन्होंने मेरे हाथ पैर ही काट डाले, पर नहीं जो उन्होंने वेश धारण किया था ना संत का, संत वेश का सम्मान करते हुए उनसे कुछ नहीं कहा और कहा ये मेरे ये बहुत ही पोचे हुए संत है, इनका और अच्छे से आदर करो। तो अब वो चोर तो डर गए कि जयदेव जी बैठे हैं कहीं राजा से हमें मरवा ना दे, तो वे कुछ नहीं बोलते उनसे, कहते हैं और वो उन्हें बिठाते हैं और सम्मान करते हैं, कहते हैं इनको और धन दो, इन्हें और धन दो, इन्हें पूरी इनका इतना धन दो कि इनका पूरा जीवन बीत जाए, इतना धन दो। अब वो राजा सोचते हैं ये तो बड़े संत पोचे हुए लगते हैं, जयदेव जी इनका इतना सम्मान कर रहे हैं, तो उन्हें पूरा इतना धन देते हैं कि उनका पूरा जीवन व्यापित हो जाए उसमें। तो अब वो कहते हैं
अब वो तो डरे हुए थे, कहते हैं अच्छा हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। और राजा कहते हैं ना जाने, संत बार बार यूं क्यों कह रहे हैं कि आज्ञा दीजिए आज्ञा दीजिए। तो वो जयदेव जी से कहते हैं, महाराज जी तो ये कह रहे हैं आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। कहते हैं चलो ठीक है भाई ना, आप जाने दीजिए, पर इन्हें इतना धन देना कि पूरे जीवन में कभी धन की कमी ना रहे। कहते हैं ठीक है। अब वो पूरी बुग्गी भरकर धन की देते हैं और कहते हैं कुछ सैनिकों को भेजते हैं कि आप इनके साथ जाओ, कहीं चोर हो और इनका ये पैसा ना लूट ले। तो जैसे वो जा रहे थे तो जाते जाते एक पुल आता है, तो वो सैनिक कहते हैं अरे महाराज आज तक राजा के पास इतने संत आए, आज तक राजा ने किसी की इतनी अवभाव नहीं की जितनी आपकी की है, ऐसे जयदेव जी से आपका क्या रिश्ता है। कहते हैं अरे वो जयदेव, वो तो क्या बताऊं तुमको कि पहले हम सब एक ही सेठ के पास काम किया करते थे, और वो जयदेव इतना वो था कि उसने काम करते करते वही चोरी कर ली, और चोरी करते क्या करते वो, अब वो सेठ उसके हाथ पैर काटने वाला था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं, हम वो सब मृत्युदंड देने वाला था, हमने कहा चलो महाराज आप इसे छोड़ दो सेठ, और बस इसके हाथ पैर काट दो और इसे छोड़ दो। तो कहते हैं अच्छा हाँ, बस उसी दिन से ही हमारे ऋणी हो गए। तो इतना झूठ सुनते ही जयदेव तो बिल्कुल निर्मल थे, उनके मन में तो कोई भी छल नहीं था, बल्कि उन्होंने चाहते तो उन्हें वही मरवा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि संत थे ना, और उन्हें छोड़ दिया। पर उन्होंने अब भक्त के चरणों में अपराध कर दिया, ये बात जगन्नाथ जी से सहन नहीं हुई, और इस जगन्नाथ जी ने सुनते ही वहां धरती फट जाती है और वो चारों ओर चोर उस धरती में समा जाते हैं। अब जगन्नाथ जी कहते हैं यदि कोई मेरे चरणों में अपराध एक बार कर दे ना तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, पर भक्तों के चरणों में यदि किसी ने अपराध कर दिया ना तो मैं उसे बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता, क्योंकि मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, और इसलिए भूलकर भी कभी भक्तों के चरणों में अपराध ना करना। तो फिर वो वापिस आते हैं सैनिक और बताते हैं कि महाराज ये बात हुई, वो संत तो उनको तो धरती फटी और वो उसमें समा गए। अब जयदेव जी से पूछा कि वो कौन थे, अब वो बताते हैं वो चोर थे और मेरे हाथ पैर भी उन्होंने ही काट दिए। अब वो कहते हैं भगवान आपने क्या किया इतना होने के बाद भी कि हाथ पैर काट दिए फिर भी संत कर दे। संत कह रहे हैं भगवान उनके अगर कोई अपराध हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ, उन्हें क्षमा करो। और ऐसे याद कर प्रभु से विनती कर रहे थे और देखते ही देखते उन जयदेव के हाथ आ जाते हैं और पैर आ जाते हैं, और भगवान जगन्नाथ उनका आलिंगन करके कहते हैं हे जयदेव आप महान हैं, आपके जैसा संत इस पृथ्वी पर हुआ तो मेरे भक्तों कभी कमी नहीं रहेगी। और ये कहकर जगन्नाथ जी उन्हें आलिंगन कर लेते हैं। बोलिए भगवान की जय। ओम ज्ञान दिवान भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ ये जो कवि जयदेव गोस्वामी है इनका ही भजन है जय जय देव हरि, इनका ही ये भजन है। ये जगन्नाथ जी तब तक सोते नहीं जब तक इनके भजन को नहीं सुनते, जगन्नाथ तब तक जगते नहीं जब इनके भजन को नहीं सुनते हैं। जगन्नाथ जी के शरीर में जो दोपटा है किसी को घर में ये भजन लिखा हुआ होता है तब जगन्नाथ जी इसको ओढ़ते हैं, गले में जो ठाकुर जी माला पहनते हैं एक एक तुलसी पत्ते के ऊपर में इनका जो श्रित कमला कुच मंडल है धृत कुंडल है कलित ललित वर्णमाल जय जय हरे। जब तक एक एक तुलसी पत्ते में उसको एक एक श्लोक लिखा हुआ होता है जगन्नाथ जी गले में जिसको पहनते जिसको धारण करते हैं। इसलिए उन्होंने जो पद जो लिखा था है उन्होंने जो पद लिखा था जिस पद को वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, कौन सा पद था, कैसे राधा रानी महान करके बैठी हुई, कृष्णा कोशिश कर रहे हैं उसको मनाने के लिए लेकिन उनको महान ही नहीं उतर रहा था। इसलिए जब उतर नहीं रहा था उस समय में कृष्णा अपना मयूर मुकुट उतार के रख दी, बोले राधे इसलिए मेरा नाम नटवर है, नटवर मतलब जितने नाचने वालों में मैं सबसे सुंदर नृत्य करता हूँ, इसलिए मैं मयूर पंख सर पर धारण करता हूँ क्योंकि मयूर का नृत्य सुंदर नृत्य है। कहते हुए जो इसका जो विद्या है ना मैं तुम्हारे चरण में रख दिया, फिर अपना बंसुरी का रख लेते हैं,
बोले बंसुरी क्यों रखते हैं, बोले त्रिभुवन को ये बंसी ध्वनि को द्वारा ही ये त्रिभुवन को मैं मोहित करता हूँ, इसलिए बंसी ध्वनि का जो करामत है ये भी तेरे चरण में मैं समर्पित कर रहा हूँ। जब राधा रानी मानती नहीं तो लास्ट में कहते हैं राधे तुम्हारे जो चरण है बड़े उदार है, हाँ तुम्हारे चरण बड़े उदार चरण है, तुम्हारे कोमल चरणों को मेरे सर पर रखो। जब इतना लिखने जा रहे थे ना कवि जयदेव का हाथ कांपने लग गया, बोले ऐसे कैसे विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक वो कैसे राधा जी के चरण में कैसे अपना सर को कैसे रखो, लिख नहीं सके। और वो गए नहाने के लिए, कहते वो नहाने के लिए गए, बोले कहा नहाने के लिए गए, गई गंगा में नहाने के लिए, तब कृष्ण स्वयं ही आ गए। उन्होंने क्या की, उनकी जो पद को लिख नहीं पाए थे वो पद को भगवान स्वयं पूरी करके, ठाकुर जी पूरी करके जाते, इतने इनकी कविता की इतने महत्व है। इसलिए कहते कवि जयदेव हैं वो क्या कर रहे थे, जैसे उनका भूस का घर होता है ना, भूस का घर बना रहे थे, इतने में उनकी पत्नी तो पद्मा कहती ये रसोई बना रही थी, घर की कोई दूसरे काम कर रही थी, वो अकेले क्या कर रहे भूस का घर बना रहे, स्वयं ठाकुर जी इनके ठाकुर श्री राधा कहते राधा माधव है, हैं कभी जयपुर गए हो, गए पर वहां पर जो माधव जी राधा माधव जी है, कहते वो ठाकुर जी स्वयं आकर के ऊपर में उनको मदद दे रहे थे, जो भूस को दे रहे थे और स्वयं कवि जयदेव क्या कर रहे थे वो घर को बना रहे थे और ठाकुर स्वयं आकर के उनको मदद कर रहे थे। जब उन्हें ठाकुर जी जब नीचे उतर करके आए ना, और जो भूस होता है हमारे उस तरफ में घर बना था भूस का, वो देखा सारे ठाकुर का शरीर काला पड़ा हुआ और जो भूस है ना ठाकुर का शरीर में लगा हुआ है, भूस भूसा से ठाकुर जी हाँ अलग करते है। फिर पता चला उन्होंने पत्नी को पूछे तुमने क्या मदद कर रहे थे, बोले नहीं मैं तो घर के काम कर रहे थे, मेरे पता चला ठाकुर जी स्वयं जाकर के ये मदद ठाकुर जी स्वयं जाकर मदद कर रहे थे। इसलिए ये कवि जयदेव गोस्वामी की इनका गीत गोविंद ग्रंथ है, और जो हम लोग कभी गाते हैं ना है प्रलय पयो धी जले धृत बान सीतम बीत वहित्र चरित्र मखेदम केशव धीरत कहते कुर्मस मत्स्य शरीर जय जगदीश है, मतलब इन्होंने ही लिखा है कृष्ण कौन है, बोले केशव धीरत मीन शरीर, भगवान केशव ने ही ये मीना अवतार ग्रहण किया, मत्स्य अवतार, भगवान केशव ने ही कुर्म अवतार धारण किया, भगवान केशव ने ही ये बरहा अवतार लिया, इन्होंने ही नरसिंह अवतार लिया, जितने सारे अवतार को लेने वाले कौन है ये भगवान श्री केशव देव ही सारे अवतार को ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए इनका जो कविता है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी में जब गंभीरा में रहते थे, जब गंभीरा में रहते थे इनकी कविता को पढ़ पढ़ करके राधा रानी कैसे कृष्ण विरह में उन्माद, कैसे राधा रानी कृष्ण विरह में कैसे दिन रात कैसे रोती है, कहते इनकी जो गीत गोविंद ग्रंथ में बड़े सुंदर है, धीर समीरे जमुना तीरे बसत बने बनमाली, कैसे श्याम सुंदर बड़े सुंदर कुंज बना करके बैठे हुए, राधा रानी कहती है आज हम इतने बजे हम आएंगे आपके साथ मिलेंगे, कृष्ण स्वयं धीर समीरे में अपना हाथों से कुंज बना के, हर कृष्ण बैठे हुए राधा रानी कब आई, कहते पतंती पतत्र, मतलब अगर थोड़ी सी पत्ते का आवाज बना कृष्ण झट बाहर जाते, क्या राधा रानी आ गई है क्या, हाँ कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर में आते हैं। ये कवि जयदेव गोस्वामी की बड़ी सुंदर रसिक पद्यावली है, हाँ इनकी जो ग्रंथ है महाप्रभु जिस ग्रंथों को गंभीरा में बैठे बैठे करके आस्वादन करते थे, इसलिए ये इनकी कथा है कवि जयदेव गोस्वामी की कथा है। कवि जयदेव की जय, कभी कभी कहते ना इनको हाथ प्यार काट लिए, ये कथा कहीं आती है कहीं नहीं आती है, ये जो कथा है कभी ये कथा आती है या कभी कथा नहीं आती है, कहते हाँ इसलिए कहीं कहीं पर बताते हैं क्यों इनका हाथ प्यार काट दिया था,
बल्द कहीं कहीं भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे तो कोई एक मुसलमान ने किसी गैया को कसाई ना मुसलमान काट कर गैया खा लेते हैं, इसलिए कोई गैया भाग रहा था, भाग रहा था तो मुसलमान पीछा कर रहा था, पीछे कर रहा था तो वो गैया जब दूसरे जिस गली में चली गई, कसाई आकर बोले वो गैया कहाँ गई है, कहते गए पिछली जीवन में, इसी जीवन में नहीं, पिछली जीवन में उनने दिखा दिया था गैया इस तरफ से, गैया इधर गई है, कहते उन्होंने केवल उन्होंने हाथ को केवल इशारा किया था जे गैया इस तरफ में गई है, इस तरफ में गैया गई, इसलिए पहले जीवन में क्यों किया था, इसलिए कहते इसी जीवन में उनको हाथ को उन्होंने काटे, कई वर्णन आती है, लेकिन लेकिन इसी विषय पर कोई मानते हैं और कई कोई नहीं मानते, क्योंकि इतने बड़े जो कवि जयदेव गोस्वामी, इतने बड़े साधु हैं जिनकी पद्यावली स्वयं स्वयं कृष्ण आकर जिनकी पद्य को पूरा करते हैं, भगवान कृष्ण आकर के जिनकी पद्य को पूरी करते हैं, और जब वो ये करते हैं क्या अपना छप्पर जब घर बनाते हैं, जो भगवान स्वयं आकर के जिनको मदद करते हैं, और उन्हें इतने सुंदर सुंदर जो पद्य को लिखी, जगन्नाथ जी इतने प्यारे जो भगत है भैया, उनका हाथ कौन काट सकता है, उनका हाथ जैसे अजामिल ने कितना पाप किया, वाल्मीकि पहले दशरथ नगर था, कितने उन्होंने पाप किया, लेकिन केवल प्रभु का नाम को लेते लेते इस जीवन में इनके सारे पाप खत्म हो गया और इतने बड़े संत बन गए हैं, इसलिए और भगवान की जो इतना बड़े भजन करने वाले हाथ पैर कौन काट सकता है, भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को कहते हैं प्रतिजानी न मैं भक्ता परीक्षित, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं है, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मेरे भक्तों का, इसलिए कई कई बार कोई बोलते कोई कोई बरकत नहीं, ये सही बात ये भी नहीं है, ठीक बोलो। अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण कोई इंतजार कर रहा है, प्रभु नित्यानंद जल्दी आ जाओ, श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसाद है सब गुरु भक्त वृंद समसा सब गर्व कर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों श्रीपाद श्रोत्तर शत श्री शक्ति वेदांत जी से गुरु स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, एवं मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद परमेश्वरी गुरु जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत मंगलाचरण के श्लोक के विषय में श्रवण कर रहे हैं, कल और परसों हमने श्रवण किया था मंगलाचरण का प्रथम श्लोक, आज द्वितीय श्लोक के विषय में श्रवण करेंगे। द्वितीय श्लोक है धर्मः प्रोचित केतवत्र परमो निर्वत्सरणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु सिद्धम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कीर्ते किन्वा परीश्वर इसका साधारण अर्थ है, ये जो श्रीमद् भागवतम है महामुनि वेद व्यास द्वारा रचित है, जिसमें परधर्म की व्याख्या हुई है और प्रोचित कैतव कैतव अत्र, इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं उसे छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रोचित प्रउचित प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, उचित मतलब त्यागना है, और परमो निर्मत शरणाम सताम ये क्या है, जो परमहंस साधु हैं उनको बहुत प्रिय है। वेद्यम वास्तव वस्तु ये वास्तव वस्तु को जानने के योग्य है। शिवदम शिवदम मतलब कल्याणकारी है। तापत्रयोन्मूलनम तापत्रय तीन तापों को नष्ट करने वाला है। ऐसे जो शास्त्र है ऐसे शास्त्र को छोड़कर हमें किसी और शास्त्र पढ़ने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिसके श्रवण से सद्य मतलब तुरंत तुरंत भगवान क्या करते हैं, जो उसे श्रवण करता है उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, ये तो हुआ इसका साधारण अर्थ है।
अब उसकी टीका में हमारी आचार्यों ने वर्णन किया है, थोड़ा उसके विषय में श्रवण करेंगे। बताया श्रीमद् भागवतम महामुनि कीर्ते, यह श्रीमद् भागवतम महामुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना क्यों की? क्योंकि इससे पहले इन्होंने बहुत सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, वेदांत और पुराण सब कुछ लिख दिया था, तो इसको लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तब इसके विषय में बताते हैं, कृष्णे सधाम गते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो निष्ठ दृशा में सब पुराणार को अधुनोदिता। कि जब भगवान द्वापर में आए और अपनी लीला संवरण करके यहाँ से गए, तो धर्म और ज्ञान को अपने साथ में लेकर के चले गए। उसके बाद में कलयुग का प्रवेश हुआ, तो कलयुग के प्रवेश होने से क्या हुआ? कलो निष्ठ दृशा में सब, जो कलयुग के जीव हैं वो क्या हो गए? अज्ञान, ज्ञान से अंधे हो गए। उनके लिए यह श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य की रचना हुई, श्रीमद् भागवतम ये प्रकाशित हुआ, महामुनि वेद व्यास जी ने इसकी रचना इसलिए की। और फिर इसमें बताते हैं धर्मा प्रोचित केतव अत्र, इसमें बताया चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या करना है? प्र उचित, उचित माने होता है त्यागना, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, ऐसा नहीं मतलब साधारण तरीके से छोड़ना, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा उनको। इसलिए क्योंकि इसमें परधर्म की व्याख्या हुई है। परधर्म क्या है? परधर्म के विषय में बताया कि परधर्म जो है भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा ही पर मतलब श्रेष्ठ, धर्म मतलब धर्म, श्रेष्ठ धर्म है। बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है? भगवान की सेवा को छोड़कर जो भी हम करते हैं वो सब क्या है? वो कपट है। कहता बताया उसको, कपट बताया। जैसे हम देखते हैं मनुष्य भी चार काम करते हैं और पशु भी चार काम करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। परंतु पशुओं के अंदर क्या है? उसको समझने की बुद्धि नहीं है, बुद्धि है उनके अंदर अलग अलग बढ़िया, परंतु वास्तव वास्तव वस्तु क्या है उसको समझने की बुद्धि नहीं है। परंतु मनुष्य को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि वो वास्तव वस्तु को समझ सके। एक छोटी सी कहानी आती है, एक साधु थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करते करते क्या हुआ, एक बिच्छू बहते बहते आ रहा था और उन्होंने उसको बचाने के लिए अपने हाथ में लिया और नदी किनारे छोड़ दिया। जैसे उन्होंने उसे हाथ में उठाया तो उसने क्या किया, उनके काट किया, उनके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। वो दोबारा फिर आ गया, उन्होंने ऐसे दो तीन बार किया, लेकिन वो बार बार काट रहा है उनके, वो दूर से कोई व्यक्ति देख रहा था, वो कह रहा है देखो कैसा पागल मूर्ख है, वो बार बार काट रहा है, इसको पता है बार बार काट रहा है तो मैं इसे क्यों निकालूं, छोड़ जान, बहरा तो बहने दो। वो उससे रहा नहीं गया, वो आया उनके पास, साधु के पास आकर के कहता है आप समझदार हो, साधु भी हो, आपको हाथ में बार बार काट रहा है, आपका खून भी निकल रहा है, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते, आप बार बार निकाल के बाहर क्यों रख देते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं साधु हूं ना, और ये क्या है, ये जीव है, जो इसका धर्म है वो अपना काम करता है और जो मेरा धर्म है मैं वो काम कर रहा हूँ। उसका धर्म है काटना, वो काट रहा है, और मेरा धर्म है रक्षा करना, इसलिए मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो यहाँ पता चलता है कि जो पशु हैं, पशु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, वो अपना धर्म नहीं छोड़ते, परंतु मनुष्य ही ऐसे हैं जो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों की ओर भागते हैं। क्यों क्यों भागते हैं? क्योंकि ये संसार जो ना, ऐसा बताते हैं संसार फूल से मरगा और बूंद पड़े बह जाना है, ऐसे में कुछ है, ऐसे संसार है ये, हम आकर के इसमें फंस जाते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी में लग जाते हैं। मोक्ष के विषय में तो बहुत कम ही लोग हैं जो सोचते हैं, ज्यादातर धर्म, अर्थ और काम के विषय में सोचते हैं। जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करता है,
पूजा पाठ करता है, शास्त्र पढ़ाता है, शास्त्र अध्ययन करता है। अगर कोई ब्राह्मण जिसके चार पांच बच्चे हों, अब वो एक मंदिर में पूजा सेवा पूजा करता है, एक मंदिर से कितना कितना उसको मिल सकता है, उसका घर का खर्चा चल सकता है। अब चार पांच बच्चे हैं उसके और उनको पढ़ाएगा तो क्या चाहिए उसके लिए? पैसा चाहिए। अब क्या करेगा, एक दो मंदिर और पकड़ लेगा और दो तीन मंदिरों में काम करेगा, सेवा करेगा। वहां से क्या कर रहा है, धर्म कर रहा है। धर्म से क्या कर रहा है, अर्थ मिल रहा है उसको। अर्थ को क्या करेगा, अपने परिवार की सेवा में लगाएगा। अब जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, अब जैसे बच्चे जाती हैं, अब स्कूल में देखते हैं कि दूसरे बच्चे साइकिल से पढ़ने आते हैं और हम पैदल जाते हैं, तो क्या बोलेंगे अपने पिताजी जा करके, पिताजी पिताजी हम पैदल जाते हैं और दूसरे बच्चे साइकिल से आते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो क्या कहेगा? तो अर्थ को बढ़ाने के लिए वो और अधिक चेष्टा करेगा, अर्थ को बढ़ाने के लिए धर्म और अधिक करेगा। उससे क्या होगा, उसे ज्यादा अर्थ मिलेगा, उस अर्थ से उसमें लगा देगा उनकी सेवा में बच्चों की। धर्म अर्थ, फिर ये क्या है, जो बच्चों के हृदय में कामना आई, उन्होंने अपने पिता को बताया, तो क्या किया उसने, उनकी कामना को पूरा किया। लेकिन मोक्ष के विषय में सोचा ही नहीं। धर्म अर्थ काम, इन तीन चीजों में ही संसार लगा हुआ है, मोक्ष के विषय में सोचते ही नहीं है। तो इसमें ये वर्णन हुआ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रकृष्ट रूप से त्याग देना है। अब हम साधारण क्या समझते हैं, जैसे हमें माता पिता ने जन्म दिया है तो उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। पति पत्नी सोचती है कि अब मेरी शादी हुई है तो पति की सेवा करना मेरा धर्म है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, देश की सेवा करना और अड़ोसी पड़ोसी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन शास्त्रों में क्या बताते हैं, ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। ये क्या है, कर्तव्य है, धर्म नहीं है। ये धर्म के लिए बताया भागवतम में, धर्म वास्तव में जो जीव का वास्तव धर्म है वो है भगवान की सेवा। ये धर्म नहीं, ये कर्तव्य है। उस संसार में आए हैं तो इन कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर पत्नी पति की सेवा ना करे तो क्या करेगा, पति निकाल के बाहर कर देगा, है ना। बच्चों ने, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, अगर वो उनकी सेवा ना करें, माता पिता क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये सब क्या है, कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है। लेकिन हम क्या समझते हैं, ये धर्म है, हम समझ लेते हैं धर्म है, लेकिन नहीं। जीव का वास्तविक धर्म भगवान की सेवा है। कृष्ण, जैसे शास्त्र में बताते हैं, कृष्ण बहिर्मुख भैया भोगवांचा करे निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जब हम भगवान से विमुख हो गए तो क्या हुआ, भगवान से विमुख क्यों हुए, भोग वांछा, भोग करने के लिए। जब जीव इस जगत में आता है तो भोग करने के लिए ही आता है, क्योंकि भगवान जब जीव देखता है ना, जीव तटस्थ स्थान से इस जगत में आता है तो वो उसको दो चांस मिलते हैं, भगवान के धाम जाने का और इस जगत में आने का। जिसके पास ज्यादा चिदबल है तो वो उस चिदबल के कारण भगवान उसको अपने जगत में खींच लेते हैं, और जिसके अंदर भोग की कामना है तो उसको माया खींच लेती है इस जगत में, जिसके अंदर भोग की ज्यादा कामना है, इसलिए हम इस जगत में आ जाते हैं और आकर के भोग करने लगते हैं। लेकिन वास्तव धर्म क्या था, भगवान की सेवा, वो हमने छोड़ दिया और आकर के भोग करने लग गए इस संसार में, और भोग करते करते वो पशु जैसी वृत्ति हमारी हो गई। जैसे पशु भोग करते हैं, आज निता भय में थूं, पशु हमसे ज्यादा अच्छा भोग करते हैं, हम इतना भोग नहीं कर पाते, पशु अच्छा भोग करते हैं हमसे ज्यादा, हमसे नहीं होता इतना भोग, ना ही कर सकते। जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत प्रिय है, कितना खा लेगा, कितने खाएगा, एक लिमिट तक खा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा पाएगा, तो एक भोग हुआ, ये तो बाधा बन गया, और भोग में बाधा बन गया, तो ज्यादा भोग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि वास्तव धर्म क्या है, भगवान की सेवा। अगर जैसे गीता में भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
कि सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्या करूंगा तुम्हारे सारे पापों को हरण कर लूंगा और तुम्हें ये जो भय है कि हम जो ये धर्म कर्म करते हैं इनका जो भय है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ऐसा कर भगवान की भक्ति करने से छूट जाएगा तो क्या होगा, हमें इसका दंड मिलेगा। बोले इस चिंता को छोड़ दो, भगवान कह रहे इस चिंता को छोड़ दो, मैं तुम्हें सारे भय से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। हम नहीं जाते शरण में, हम तो अपने भोग में लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ यही वर्णन है कि हमें भगवान की सेवा को करना चाहिए, बाकी धर्मों को छोड़ देना चाहिए। जितने भी धर्म हैं वो जो कर्तव्य हैं संसार में वो हमें करने हैं, कर्तव्य करने ही पड़ेंगे जब संसार में आने हैं, तो उन कर्तव्यों को करते हुए क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो यहाँ पे इस धर्म, ये जो वास्तव धर्म है भगवान की सेवा, इसकी यहाँ पर व्याख्या हुई। परमो निर्मत शरणाम सता, ये जो परम निर्मत्सर साधु हैं उनको ये बहुत प्रिय है, ये उन्हीं का, जो परम निर्मत्सर साधु होते हैं वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, वो भगवान के ही गुणगान कीर्तन में लगे रहते हैं और उन्हें कोई काम नहीं। हमें देख, हमें लगता है कि साधु हैं संसार में रहते हैं जैसे हमारे जैसे, जैसे हम करते हैं खाते पीते ऐसे ये करते हैं, परंतु वो क्या है, परम निर्मत्सर। सुखदेव गोस्वामी कौन है, वो परम निर्मत्सर साधु हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को अपने पिता वेदव्यास जी से श्रवण किया। और फिर आगे बताते हैं, वेद्यम वास्तवम वस्तु, यह वास्तव वस्तु को जानने के योग्य है। इसमें वास्तव वस्तु क्या है, वास्तव वस्तु भगवान की वास्तव वस्तु है, बाकी जितनी भी हैं वो सब क्या है, अवास्तव है। हम जो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से इस जगत में वो सब अवास्तव है, वास्तव नहीं है। भगवान और भगवान से रिलेटेड जो भी है वो सब वास्तव वस्तु है। भगवान, भगवान के भक्त, भक्ति, नाम, उनके गुण कीर्तन जो भी हैं वो वास्तव वस्तु हैं, इसके अलावा सब अवास्तव है। और शिवदम, शिवदम मतलब क्या है, कल्याणकारी है। ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, पठन से ही हमारा कल्याण होगा, बाकी किसी भी और ग्रंथ को पढ़ने से, जैसे इसमें बताया ना कि ये जो ऐसा ग्रंथ है हमें किसी और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, हमें किसी और ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सब क्या होता है, सर्व वेदांत सार में श्रीमद् भागवतम इष्यते, ये क्या है, सभी वेदांत, वेद वेदांत का सार है, इसलिए हमारे लिए कल्याणकारी है। तापत्रय उन्मूलनम, क्या है, तीन तापों को नष्ट करने वाला है। संसार में जितने भी जीव हैं वो तीनों तापों से ग्रसित हैं, तीन ताप उनको भोगने ही भोगने पड़ेंगे जो संसार में आ गया। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि संसार में वो साधु भी रहते हैं, वो साधु, साधु को तीन ताप भोगने पड़ते हैं, वो भगवान की इच्छा से आते हैं और चले जाते हैं, उनको इन तापों से कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ जैसे हम भोग रहे हैं तीन ताप ऐसे ये भी भोग रहे हैं, इसलिए हम साधुओं की अनादर कर देते हैं। वो तीन ताप क्या है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप। जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, ठीक ठीक से बोलो। ठीक ठीक आदि दैविक तो जो देवी देवताओं के द्वारा प्रदत्त होता है, जैसे क्या है? जैसे भूकंप आना, हाँ बोले जोर से, जैसे भूकंप आ जाता है, महामारी आ जाती है, कोरोना, और जैसे कहीं वो आ जाता है कुछ भी, मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो आती है उसको आदि दैविक, कोरोना आ गई, आदि दैविक, आदि भौतिक क्या है, आदि भौतिक जैसे संसारिक आपस में जैसे पड़ोसी से कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना, किसी जीव के द्वारा किसी जीव को प्रदत्त जो कष्ट होता है उसको, पड़ोसी से परेशान है, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया और मच्छर परेशान कर रहे हैं, मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेश, मानसिक क्लेश, जैसे
बाद किसी देवी देवता की पूजा छोड़ के हमें ऐसा लगता है कि जो ये कष्ट आया उसके द्वारा नहीं मिला नहीं मानसिक मानसिक क्लेश जितने तरह का मानसिक कष्ट है उसको आध्यात्मिक कष्ट कहते हैं जिसको पर सब बीमारी का दवा लेकिन मानसिक कष्ट है वही दवा है नहीं शरीर और मन से जो कष्ट हम लोग जल्द खत्म कर सकते हैं ये तीन ताप होते हैं आदिभूति आदिदेविक और आध्यात्मिक आदिभूतिक ताप जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं चार प्रकार के जीव जगत में उत्पन्न होते हैं अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं जेरज जो जेर से पैदा होते हैं स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं उद्भिज जो जमीन से उत्पन्न होते हैं ये चार प्रकार के जीव जगत में हैं इनसे जो हमें कष्ट मिलते हैं उसको बोलते हैं आदिभौतिक ताप चार प्रकार के होते हैं आदि देविक ताप होते हैं दो प्रकार के जो हमें देवी देवताओं से मिलते हैं देवी देवता जैसे बर्फ बहुत समय तक सूखा पड़ गया वर्षा नहीं हुई है ना या अब जैसे ठंड हो रही है सर्दी गर्मी वर्षा ये सब क्या है आदि देविक ताप और दूसरे जो भूकंप इत्यादि आते हैं जो कोई बीमारी आ जाती है जैसे कोरोना आ गया ये सब क्या है आदि देविक ताप ये दो प्रकार के हुए और आध्यात्मिक ताप भी दो प्रकार के होते हैं आध्यात्मिक एक तो मन से जो हमें मन ही मन जैसे अपने आप ही कुछ किसी कारणवश हमें अंदर ही अंदर कष्ट हो रहा है ना या किसी ने कुछ कह दिया हमें उसके कारण हमें कष्ट होता है और जैसे कि हम कुछ करते हैं अध्यात्म संबंधित कुछ करते हैं उसके कारण भी हमारे हमें कष्ट आते हैं वो भी कष्ट है तो ये भी दो प्रकार के हैं ये तीन ताप हो गए तो इन तीनों तापों को नष्ट करने वाला है ये श्रीमद् भागवतम तापत्योन्मूलम और फिर बताया सत्य हृदि अवरुद्धते अत्र सत्य मतलब होता है तुरंत जो उसको श्रवण करता है इसका पठन करता है या कीर्तन करता है तो भगवान क्या करते हैं भगवान उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं परंतु इसको श्रवण कौन कर सकता है इसका पठन पाठन कौन कर सकता है जिसके हृदय में कोई किसी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं है एकदम शुद्ध हृदय है शुद्ध हृदय वाला ही इसके भावों को समझ सकता है इसके हृदय में अनेक कामनाएं हैं अनेक वासनाएं हैं वो इसके भावों को नहीं समझ सकता क्योंकि इसमें बताया चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत में प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे प्रत्येक श्लोक में और प्रत्येक अक्षर में अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं इसके जिसका हृदय शुद्ध होगा वही इसको समझ सकता है जिसके हृदय में अशुद्ध है जिसका हृदय वो उसको नहीं समझ सकता तो उसी शुद्ध हृदय के भक्त के हृदय में भगवान बंध जाते हैं आकर के वो फिर उससे उसके हृदय से कहीं नहीं जाते तो ये इसका हमारे आचार्यों ने हमारे गुरु वर्गो ने इसका और भी विस्तार किया है तो जितना मैंने सुना वो आपके समक्ष इसको वर्णन किया आगे श्रवण करेंगे वांछा कर पत्र के पास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर हरे कृष्णा सर्वप्रथम अपने गुरुदेव शिष्य में भक्ति विधान का श्री धर्म स्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में नंद तो बड़े शासन प्रणाम करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम हरे कृष्ण अभी गुरुदेव कुछ दिन पहले बात बता रहे थे कथा के बीच में बोला था गुरुदेव ने कि राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण राखे कौन अगर भगवान कृष्ण ने डिसाइड कर लिया किसको मारना है तो मरेगा ही और भगवान ने अगर डिसाइड कर लिया किसको बचाना है तो बचेगा ठीक है
कि हमारे शास्त्रों में से अनेकों उदाहरण है कि भगवान जब चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, एक विश्वास, विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे एक छोटी सी कथा है, एक बार एक दंपति, नई नई शादी भी थी, पति पत्नी घूमने गए थे, तो एक नाव लेके वो गए घूमने सम नदी में। तभी क्या हुआ, नदी में भंवर आ गया, और भंवर ऐसा होता है वो क्या करता है, गोल घूम के नाव को डुबो देता है। और वो भंवर आ गया अचानक नदी में, और पत्नी डरने लगी कि भैया अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी दो ही चार दिन हुए और अभी डूबने वाली हुई। पत्नी के पति का हाथ पकड़ लिया उसने डर के मारे, कहीं कुछ करो। पति चुपचाप खड़ा हुआ हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसने कहा भैया क्या किस पत्थर के बने हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, ये मरने वाले हो तुम, ऐसा हंस रहे हो। पति ने क्या करा, तलवार निकाली अपनी और लड़की के गर्दन पर रख दी। लड़की से बोला तुझे डर लग रहा है, लड़की हंसने लगी, कह रही नहीं मैं क्यों डरूंगी, कह रही क्यों नहीं डर रही, कह रही मुझे पता है मुझसे प्रेम करते मुझे नहीं मारोगे। उसने तलवार वापस मैदान में डाल दी। तब तक क्या हुआ, भंवर रुक गया, नाव साइड में आ गई। तो पत्नी ने पूछा तुम क्यों नहीं डरे, कह रहे जब मैंने तेरे गर्दन में तलवार रखी तू डरी, कह रही नहीं क्यों नहीं डरी, कह रही मुझे पता है मुझसे प्रेम करते हो मुझे मारोगे। तो उसने कहा हाँ, कह रहे मैं भी जानता हूँ, मैं भगवान से भी बहुत प्रेम करता हूँ और भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो चाहेंगे तो मुझे मार देंगे, मुझे कोई नहीं बचा सकता, और अगर उन्होंने ठान ली मुझे कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं विश्वास, भगवान पर विश्वास इतना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसे अनेक उदाहरण है कि भगवान ने अगर डिसाइड कर लिया ना इसको मारना है तो मारना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध ले लो, महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास कितनी सेना थी, 11 अक्षरणी, और कौरव उनके पास 7 अक्षरणी, ठीक है। इधर एक साइड ले लो सारे सारे धुरंधर, सबसे पहले भीष्म पितामह, तो वही अगर खड़े हो गए तो सारे का युद्ध खत्म। कहते पृथ्वी में उनके बराबर कोई था ही नहीं, भीष्म पितामह जिनको क्या था, इच्छा मृत्यु का वरदान, तो भाई मर ही नहीं सकते तो युद्ध क्या कैसे हारेंगे, है इच्छा मृत्यु का वरदान। सोचो इतना इच्छा मृत्यु के साथ साथ ही उन्होंने अपने गुरुदेव परशुराम, जिन्होंने 21 बार किसको, जो क्षत्रियों को विहीन कर दिया था संसार को, उनको भी परास्त कर दिया था। सोचो उन्होंने इतने बड़े धुरंधर है उनके सामने, और तो और उनके जो गुरु कौन थे, पांडवों के गुरु कौन थे, दूसरी साइड में द्रोणाचार्य, उनका भी क्या था, कोई नहीं मार सकता अजय जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा, है ना। कर्ण, कर्ण कौन, उनके उनके ही बड़े भाई थे, है ना। सूर्यपुत्र उनके ही बड़े भाई थे, इतने शक्तिशाली थे वो अकेले सारे युद्ध पूरे सारे राजाओं को मुकुट लेके आ गए थे। ऐसे ऐसे धुरंधर, और दूसरी साइड में कौन थे, पांडव, साधारण ही थे उनके सामने, लेकिन भगवान ने डिसाइड कर लिया अभी इनको मारना है तो ये मरेंगे। उधर एक को भी डिसाइड कर लिया कि एक भी नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। इस महाभारत के युद्ध के बीच में भी जब युद्ध हो रहा था तो रास्ता जब मर रहा था तो क्या हुआ, एक चिड़िया थी पक्षी, उसके अंडे गिर गए कुछ, है ना। अब वो जाके भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान इसे बचा लो। भगवान ने कहा भैया तो कर्मों का फल है जो जैसा होगा। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैंने आपको समर्पित कर दिया बस ये, अब आप देखो। अब भगवान फंस गए, जब भगवान को समर्पित कर दो तो भगवान की भी क्या जिम्मेदारी बन जाती है। तो युद्ध होने से पहले भगवान ने क्या करा, एक अर्जुन से बोला तीर दे मुझे, और एक बाण चलाया, और क्या लगा, वो बाण लगा एक हाथी था, कौन सा वो हाथी, जो कहते हैं ना वो अश्वत्थामा जो सबसे बड़ा हाथी था, उसकी घंटी में लगा और घंटी जाके गिर गई। पूरा युद्ध हुआ महाभारत का अंतिम में, तो जब भगवान ने तीर मारा तो अर्जुन कह रहा है भगवान आपका निशाना चूक गया है। उन्होंने लगा कि हाथी को मारेंगे, अर्जुन कह रहे भगवान आपका निशाना चूक गया, भगवान मुस्कुरा रहे। जब अंतिम में सब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा तो चलो तुम्हें कुछ दिखा के लाता हूँ। तो जब वहां जाके घंटा भी ऐसे नहीं छोटा मोटा, इतना बड़ा, जब उसको हटाएगा तो उसके नीचे चिड़िया के बच्चे निकल रहे हैं, वो भगवान की भी परिक्रमा करे। तो अर्जुन समझ गया कि भगवान चाहे तो जिसको मार सकते हैं और जिस चाहे को बचा सकते हैं। एक याद है कि भगवान का युद्ध शिव जी से भी हुआ है। अब लोग कहते भैया शिव जी से भी युद्ध हुआ है, हाँ। एक राक्षस था असुर बाणासुर, उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वरदान क्या दिया कि आजीवन मैं क्या तेरा संरक्षण करूंगा, कभी भी तेरे में विपदा आएगी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बाणासुर कुछ भैया मेरे साथ कौन है, शिव जी है, वो जाके युद्ध करता शिव जी उसकी सहायता करते हैं। एक बार उसने किससे पंगा ले लिया, भगवान से पंगा ले लिया, चलो भैया युद्ध हो जाए। अब युद्ध उन्होंने बनाया कि शिव जी आपको आना पड़ेगा,
जी ने कहा भैया दूसरी पार्टी कौन है? अरे कृष्ण है। अब लेकिन भैया वादा किया तो निभाना पड़ेगा है? तो भैया आ गए शिवजी भी, शिवजी जी अपने साथ में गणेश जी को भी लिया है और क्या है कार्तिकेय को भी लिया है। चलो भैया युद्ध हो जाए। भगवान ने पहला तीर मारा, पहले तीर में कार्तिक और गणेश जी को घायल कर दिया, भागो यहाँ से, वो भाग गए। अब शिवजी जी ने कहा भैया युद्ध तो करना पड़ेगा, मैंने वचन दिया है। फिर भगवान ने एक और तीर मारा और शिव जी क्या हुआ, मूर्छित हो गए। बहुत डिटेल में है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। शिव जी मूर्छित हो गए। अब भगवान का युद्ध हुआ बाणासुर से और उसको भगवान ने क्या करा, उसकी कितनी भुजाएं थी, 1000 भुजाएं थी। भगवान ने कितनी 996 काट दी। तब तक क्या चलता, काटते काटते शिव जी को होश आ गया। अब शिव जी देख रहे हैं भैया ये तो क्या है, चार भुजाएं रह गई। शिव जी ने क्या करा, उसके पैर, शिव जी भगवान के पैरों में पड़ गए कि भगवान मैंने इसको वचन दिया है ना, आप देख लो थोड़ा। भगवान ने कहा अच्छा ये तो मेरे ही भक्त भैया है ना, भगवान भक्त क्या सुनते। वहां बाणासुर भी देख रहा, कह रहा मैं तो समझता था शिवजी भगवान है, ये तो खुद उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तो उसने भी कहा भैया मैं भी हाथ जोड़ ले तो मेरी भी इससे क्या होगी, गति हो जाएगी। स्वयं बाणासुर भी आके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान मुझे बचा लो है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि भगवान ने अगर डिसाइड कर लिया इसको मारना है तो मार के रहेंगे, बचाना है तो बचाने रहेंगे। 100 कौरव थे, कितने, 100 भाई थे, सारे किस कोई बचा नहीं, पांडव 5 थे, 5 बच गए। क्यों, भगवान ने वचन दिया था कि इनको कुछ नहीं होगा है ना। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। तो देखो अगर हम छोटी सी क्या करना है, हमें सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भगवान को बोलते हैं भगवान माँ बाप के, बस इतना सा बोलना है भगवान को और भगवान क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा भगवान का नाम जप करना है, आरती कथा अटेंड करो, बस भगवान वशीभूत हो गए। कुछ नहीं चाहिए भगवान को। चिड़िया ने क्या किया, भगवान की पूजा अर्चना की थी क्या, कुछ नहीं, बस भगवान को आपको समर्पित। हम सुनते हैं ना जैसे जगन्नाथपुरी में हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि वहां जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसकी आशा लगती, उसकी लगती कि ये नहीं बचेगा, उसको क्या करते हैं, जो सूप होता है उसके ऊपर जगन्नाथ जी को ध्यान देते, जगन्नाथ जी आओ आपका बस। जो बच्चा नहीं भी बचने वाला तो भी बच जाता है। क्यों, मेरे जो बड़े भाई थे, मैं बताया था ना, हमारे बड़े भाई मरी गए थे, वो मरी गया तो बचने का कोई सवाल नहीं था। हमारे देश में ऐसे करते हैं, और जो मरने वाले थे सारे भज्जे भज्जे सब खत्म हो गए, डॉक्टर अभी मरने वाला, तो हमारे देश में फिर सूप में लेकर करके फिर जगन्नाथ जी को बोले ठाकुर जी अगर ये बच्चा अगर बच जाएगा तो ये बच्चा आप तुम्हारी सेवा में दे दें। हमारे जितने भाइयों में वो सबसे बढ़िया कलाकार तब जगन्नाथपुर गए हो, जब हमारे गुरु जी के मंदिर देखना बड़े सुंदर रामलीला कृष्ण लीला सब बना हुआ, वो पूरा अभी बड़ा प्रसिद्ध हो है कलाकारी में ना, बड़ा प्रसिद्ध है सुंदर आग बनाने में, मूर्ति बनाने में, सीमेंट का, मिट्टी का, किसी चीज के बनाने में बड़े एक्सपर्ट है। इसलिए फिर बच गया, जब बच गया तो हमारा नियम है क्या है, जब जब कोई ठाकुर को जो चीज बोल तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगता है। लेकिन जो बच्चा बच गया, वो तो मरने वाला था, बच गया, फिर उन्होंने बच्चे को लेकर के फिर उन्होंने किसी मंदिर में, एक कोई माता जी थी वहाँ पर मंदिर में छोड़ दिया। लेकिन छोटा बच्चा था, बच्चा था तो अभी बच्चे को प्रेम चाहिए ना, अभी कोई प्रेम करने वाले नहीं, बच्चा बारम्बार भाग आता है, चले जाता है, फिर पिताजी फिर बारम्बार छोड़ आते थे, हम ठाकुर को बोले कि बच्चे को हम दे देंगे, फिर चले जाए, फिर वो किसी तरह से, क्यों प्यार नहीं है, बच्चे को प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इसलिए बारम्बार भागा आता है, चले जाते हैं। लास्ट में फिर उन्होंने बोले जब जाता है नहीं फिर घर में रह जाओ, फिर घर में रह गया। तो फिर हमारे गांव में मैं कैसे साधु बना, हमारे गांव में कैसे साधु आए, हमारे गांव में जब साधु आए, हमारे गाँव में वो कुछ जमीन जगह था, वो मंदिर का वहाँ पर बागबजार गौरिया बैठे उनकी जमीनी जगह थे, होता है ना जमीनी जगह, उसमें जो आधा जो खेती करता है उसका आधा है और जो जिसका मालिक उसका आधा है। जब लास्ट में जब होता है उसमें वहाँ धान होता है, चावल होता है, लास्ट में वो लेने के लिए आता है। जब एक बार क्या हुआ, एक बच्चा बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं, ठीक ठाक उम्र का, ज़्यादा बच्चा नहीं, वो हमारे गाँव में आए वो कलेक्शन करने के लिए, बड़े मृदंग बजाता है, बड़े सुंदर भजन गाता है। मैं उस समय छोटा बच्चा था, मेरी उम्र होगा कितना, 12 साल होगा, मेरे को ऐसे होगा उस समय में 12 साल होगा, और मैंने देखा बड़ा सुंदर भजन गाता है छोटा बच्चा, और वो मस्तक को भजन करता है, तिलक लगाया
गले में कैंठी और मेरे को कीर्तन करना बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं मेरे मन में अपनी आप इच्छा हुआ भैया ये जैसे साधुवन मैं वैसे साधु बन जाऊंगा राजीवन, क्योंकि एक भाई को बोल दिया था ठाकुर को दे देने के लिए। हाँ होगा हमारी घर में किसी संत को संत बनना होगा, क्योंकि ठाकुर जो अर्पण कर दिया था जगन्नाथ जी को दुनिया में देना वो रहा ही नहीं। भाई मेरे मन में भावना आई से मैं भी साधु बन जा, लेकिन मैं क्या हुआ वो गांव में घर घर में जाते थे जैसे चावल दाल और जैसे पपीता आलू इकट्ठे करते थे, मैं भी उसको साथ में जाया, उसको साथ में जाकर खूब मदद किया बच्चों, घर घर में जा जा करके उसको हाँ पपीता आलू चावल की मैं भी खूब उसको खूब मदद किया उसको जा करके। और मैंने कहा मैं भी ऐसे साधु बनूंगा, और मेरी मैया सुन करके तो इतना क्रोध आया, अरे तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बाबा बने को, हम तुम इतना पैसा खर्चा करेंगे तुमको पढ़ाई करा रहे नौकरी चाकरी करोगे घर गृहस्थी करोगे अरे साधु बनोगे तुम, मेरे को तो डंडा ले करके मेरे को मार निकले दौड़ी और पत्थर उठा कर ईंट उठा कर बोले साधु बनेगा साधु बनेगा, क्योंकि हमारे घर में जो हम एकदम तो पूरा गांव के वो गांव में तो हमारे गांव में मैं जो जिस भाई जो साधु हो गया था वही थोड़ा लिखा पढ़ा किया, उतना तो ज्यादा लिखा पढ़े कोई नहीं थे उसमें, मेरे क्लास 9 में पढ़ रहा था क्लास 9 में मिट्टू फिर मेरे और एक बड़े भाई थे हैं, और उस भाई को छोड़कर और एक बड़े भाई थे उसने सुना तो डंडे से मेरे को पिटाई मेरे को पिटाई भी क्या डंडे से, हाँ साधु बनेगा पढ़ाई लिखा कर रहा है नौकरी चाकरी करोगे तो साधु बनोगे तुम, घर में पैसा खर्चा करके तुम पढ़ाई हम करवा रहे गांव में पढ़ना इतना आसानी बात नहीं। खैर मैंने तो बड़ा दुखी हो गया, दुखी होकर के फिर स्कूल हमारे वहां से करके समझो 2 किलोमीटर हम पैदल में चल कर जाते थे, गांव था ना चल कर जाते थे। मैंने कहा बस स्कूल जाऊंगा वहीं से सीधा पटना चले जाऊंगा जगन्नाथपुरी चले जाऊंगा वहां से, लेकिन फिर हमारे मामा जी का घर वहीं पर था, फिर मैंने सोचा क्या करे क्या करे, फिर मेरे जो यार दोस्त थे सब दोस्त फिर पढ़ाई करके फिर मैं क्या करता था मैं आप सोच नहीं सकते मैं जो कष्ट किया है मतलब साधु बनने के लिए, मेरे उम्र 13 साल का होगा इतना छोटा बच्चा, मियाँ क्या करता था हम गांव के बच्चे ना ऐसे ही घूमते थे बगैर कुर्ता की, मैं क्या करता कुर्ता को मेरे पॉकेट के अंदर में छुपा लेता था, छुपा करके बोलता था मैं यार दोस्त से घूमने जाता हूँ, और वहां से चल चल करके 7-8 किलोमीटर चल करके मैं आता था मंदिर में, वो मंदिर में आता था छुप करके, और सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर में वापस आता था, आ करके मंदिर में कुछ सेवा सुवा मंदिर में करता था। वहां पर एक बाबा थे परमानंद बाबा थे जो कि मेरे को बड़े प्यार करते थे, जगन्नाथ जी के प्रसाद देते थे। ऐसे करते करते आना जाना मैंने किया, ऐसे करते करते क्या हुआ एक दिन क्या हुआ वो मंदिर में जो भाई जो बड़े भाई जो साधु बनने का था वो जो हमारे जो गुरु जी का मंदिर आप जगन्नाथपुरी में जाते होंगे वहाँ पर उन्होंने कालू नर्ज किया, पहले तो एक मंदिर में जाता था लेकिन मैंने कहा मेरे को आप क्या मंदिर में रखोगे अगर मैं साधु बन जाऊंगा, बोला अभी तो बहुत छोटा बच्चा है अभी पढ़ाई लिखाई करो अभी BA MA पढ़ाई करो उसको बाद में आना अभी तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन उसी समय मेरे की इच्छा थी साधु बनने की, उन्होंने बोले नहीं इतना पढ़ाई लिखाई करो। फिर मैंने हमारे जो बड़े भाई जिस मंदिर में कालू नर्ज किया बड़े सुंदर, फिर वहां पर उन्होंने बोले बड़ा सुंदर एक मंदिर है जिसका नाम चित्र विचित्र मठ है, चित्र विचित्र मठ है इसलिए इतनी सुंदर कारुकार्य है, हम बोले थे हम देखने के लिए देखकर तो दंग रह गए, कौन कौन गए पूरी हर गुरु जी के मंदिर देखे कि नहीं कितना सुंदर मंदिर पूरा पूरी में प्रसिद्ध, बोलते चित्र विचित्र मठ है ना सब एक बार तुमको ले जाएंगे उस मंदिर बड़ी सुंदर मंदिर में कारुकार्य है बड़ा अद्भुत वहां पर कारीगरी पूरा मंदिर में, शायद पूरी में इतनी सुंदर मंदिर कहीं गई नहीं इतने सुंदर कारीगरी मंदिर बड़ा सुंदर। जब वो मंदिर को देखा मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने वो मंदिर छोड़ कर उसको पास में फिर यहाँ पर आने जाने लग गया, आने जाने लग गया तो फिर मैंने क्या हुआ मैंने कहा मैं अगर तुम्हारी मंदिर में रहूँगा, मैं तो बहुत लंबी कथा है मैं कैसे कितना कष्ट किया जो सोच नहीं सकते, इतने कम उम्र में जो परिश्रम किया है। मैंने एक दिन क्या हुआ मैं सोचे जाकर के संतों को बोलूंगा मेरे को मंदिर में रख लो, क्या रखोगे मेरे को हैं एक दिन, लेकिन मेरी सांस नहीं हुआ छोटा बच्चा 13 साल का बच्चा
कहीं से बोलेगा कि जा करके साधु लोगों को देखने में संभ्रम लगता है ना, संतोष कैसे बात करे। मैंने जाकर के मंदिर में सवेरे से लेकर दोपहर तक रहा, फिर दोपहर ऐसे घूमते रहा, फिर उसके बाद में फिर समुद्र किनारे में जब मंदिर बंद हो गया 12 बजे फिर चला गया, सारा दिन समुद्र किनारे में घूमते रहा। और वहाँ पर एक अनंत शयन भगवान का मंदिर था, तो पर सारा वहीं पर बैठ रहे। फिर जब बोले कितना बजे खुलेगा, बोले 4 बजे, फिर मैंने मंदिर में आया। जब मंदिर में आया वो समझ गए ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है, एक गुरु महाराज है, कोई मेरे गुरु भाई है, बड़े गुरु हैं। तब उन्होंने बोले बच्चा तू कुछ बोलना चाह रहे हो, तू सवेरे भी आया था अभी भी आया हो। मैंने फिर बताया, मैंने बोला मैं अगर तुमको तुम्हारे साथ में मंदिर में रहना चाहता हूँ, संत बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को मंदिर में रखोगे आप? जब बोला तब उन्होंने, और दूसरे महाराज थे, बोले ये संत बनना चाहता है इसको क्या मंदिर में रखोगे? तो बोले देखो हमारे गुरुजी अभी कलकत्ता में, वो अभी 8-10 महीना बाद में गुरुदेव आएगी, अभी तो तू छोटा बच्चे हो, जब गुरुजी का आने दो फिर हम उनको बताएंगे फिर गुरुजी क्या करते। फिर मैंने पढ़ते रहा, और यहाँ पर घर से हमारे जो खेती में होता था चावल दाल और आलू नारियल, हमारे मंदिर हमारे बगीचे में बहुत सारे, मैं उसको मंदिर में ले आता था, मंदिर में कभी सेवा करके जाता था। अचानक जो गुरुजी आए, आज समय में जो कटहल है ना, तुम लोग जैसे कच्चा कटहल खाते हो, हमारे पक्के हुए कटहल खाते, आज समय में पकने से पहले कटहल पक गया। और बंगाली लोग कटहल बहुत अच्छा लगता है, और हमारे देश में नियम है अगर कोई चीज बोल दो ना इसको मंदिर में देखे फिर उसे कोई नहीं खाएगा, बोले नहीं ठाकुर के लिए। मेरे पिताजी को मैंने बोल दिया, बोले पिताजी ये जो कटहल है ना ये पक गया है, हम चाहते हैं, हम बोल दिया ये कटहल को हम मंदिर में देंगे। पिताजी तो धार्मिक संपन्न थे, बोले कोई बात नहीं इसको मंदिर में। फिर वो कटहल जब मंदिर में आया, जब ठाकुर को भोग लगकर गुरु जी को खिलाए ना, बोले भैया ये आज समय में कटहल पका गई से, और किसने कटहल लाया है? बोले वो जो छोटा बच्चा आता है ना बोलता है साधु बनेगा, उसे नहीं लाया है। गुरु जी कटहल खाकर खुश हो गए, गुरु जी कटहल खाकर खुश हो गए। गुरु जी भाई, गुरु जी घर में जब आया, बोले गुरु जी मैं साधु बनना चाहता हूँ, मेरे को मंदिर में रखोगे? बोले अभी तो छोटे बच्चे हो, अभी तो इतना मैं क्लास 10 में आ गया था उस समय, तुम छोटे बच्चे हो अभी, तुम्हारी नाबालिग है ना, जब तक तुम्हारे पिता बोलेंगे नहीं तब तक तुम हमको रख नहीं सकते। लेकिन मेरे पिता धार्मिक स्वभाव है, बोले जो पिताजी को हमने बुलाए, बोले गुरु जी बुला रहे। तब गुरु जी ने पूछे तुम्हारी बच्चा बोलता है साधु बनने के लिए, रखोगे मंदिर में? दोगे? लेकिन सब पहले रामायण भागवत पढ़ते थे ना, उनका बल समय एक बेटा अगर भजन करता है उसको 21 पीढ़ी उधार होता है। बोले मेरे तो अहो भागे हमारे 5 और एक बच्चा तो चला गया, तो 6 हम भाई थे, सबसे छोटा था मैं। बोले जब एक बल समय एक बेटा अगर भजन करता है उसको 21 पीढ़ी उधार होता है, और मेरे बच्चे अच्छा बात है अगर भजन करेगा तो आपके पास में आए मंदिर में रहे। फिर मैं मंदिर में आया, घर वाले इतने बिगड़ गए पिताजी को, घर में तुम बोला हमारे बच्चे को तो साधु बना दिया, हाँ संत बना दिया, इतने पिताजी को सब परिवार गाली देने लगे। कुछ दिन बाद फिर पिताजी आए, कल मेरे को घर में रहने नहीं दे रहे, गाली दे रहे बच्चे के, तुमने साधु बना दिया। फिर मेरे को लेकर गए फिर क्या हुआ, हमारे गाँव में हमारे पिताजी बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत गांव में सबसे बड़ा बगीचा हमारी है, उसमें अनानास का पेड़ तो कम 1000 होगा, और नारियल का पेड़ तो 100 होगा, कटहल का पेड़ 15-20 होगा, आम का पेड़ भी 15-20 आम का पेड़, बहुत बड़ा बाग है, और खेती भी बहुत सारी खेती भी हमारी है पिताजी की। हमारे गांव में समझो हमारे पिताजी सबसे बड़े जमींदार जैसे थे हैं। लेकिन अभी जब घर में शादी होने लग जाते ना बड़े भाइयों का, घर में जब बहू आने लग जाती वहाँ लड़ाई होना शुरू हो जाती, क्योंकि सबके सब भाग होने लग गया, जमीन जगह तुम्हारी भाग बटेगी उस समय ना, मेरी बटेगी उस समय, कौन किसको देखता है, स्वार्थ जगत है, इसलिए स्वार्थ जगत देख करके बहुत उस समय मेरे को मौका मिल गया है, मौका मिल गया जब
बस फिर मैंने बहाना बना करके फिर मैंने मंदिर में आया। जब मंदिर में आ गया मंदिर में, फिर तो मंदिर में आकर के फिर रात को बाद बड़ी बड़ी लंबी कथा है। मतलब मैं जो मंदिर में आया हूँ अब सोच नहीं सकते इतने कष्ट किया है ना, शायद और इतना कोई कष्ट नहीं किया होगा। मैंने इतने दूर तक 8-10 किलोमीटर चल चल कर आता था, छुप करके और छुप कर भी जाता था मंदिर में सेवा करके। परेशानी किया, परिश्रम उठाया के इस मंदिर में साधुओं ने बहुत परिश्रम किया। इसलिए जब मेरे गुरु जी एक बार आकर जब गए, फिर एक सागर महाराज थे अभी जो हमारे मंदिर में आचार्य जी, सागर महाराज जब प्रसाद ले आओ, जब जब प्रसाद ले आओ, सब प्रसाद सबको मतलब कुछ कहते। हमारे जब गुरु जी जब वहाँ पर आए, सागर महाराज थे, सागर महाराज जब थे, मैं बचपन में बड़ी सेवा करता था, बड़ी सेवा करता था। इतने में हमारे सागर महाराज पत्र भेजे, बोले कहाँ पर पत्र भेजे, गुरु जी को पास में पत्र भेजे, बोले ये जो मेरे पहला मेरा नाम कोई अलग था नाम था, बोले ये बच्चा बहुत मंदिर का सेवा करता है, इतने सेवा करता है, अभी तो किसने इतने सेवा की नहीं, इतने ये बच्चा सेवा करता है। गुरुदेव ने पत्र लिखे, पत्र में पत्र लिखे, बोले अभी तक तुम्हारी मुंह में किसी ब्रह्मचारी का मैंने कोई प्रशंसा नहीं सुनी है कभी, क्योंकि महाराज बहुत परिश्रम करते थे, इतने परिश्रम करते तो महाराज से सोच नहीं सके। इसलिए उसने अब उन्होंने बोला अभी तक तुम्हारी मुंह में हम किसी ब्रह्मचारी का कोई प्रशंसा नहीं सुने, जीवन में पहला बार तुम बोल रहे हो बच्चा इतने मंदिर का सेवा करता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूँ और उसको मैं दीक्षा मंत्र दूंगा और लाल का मंत्र दूंगा। गुरु जी पत्र लिख करके फिर उनको पास में भेजे, फिर गुरुदेव आए, फिर हमारी दीक्षा हुई, फिर गुरुदेव ने लाल कपड़े दिए, फिर तो मंदिर में मैंने सेवा की। पिता गौर हाँ हरे कृष्णा। हाँ आप लोगों के लिए समोसा हो गया, समोसा भोग लग दिया होगा, समोसा बनाए और एक जो बंगाल का एक होता है ना पीठा बना होता है, हाँ उसको भी बनाया, लेकिन बड़ी कष्ट से बनाया, कष्ट से मतलब है उसमें नारियल